भीमावाला में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में बच्चे और युवाओं द्वारा 14 फरवरी को कैंडल जलाकर आतंकवादियों की नापाक करतूत के विरोध में काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस के द्वारा सहसपुर में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। विकासनगर स्थित हनुमान धाम मंदिर में सैल्यूट तिरंगा द्वारा मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद किया गया। ARTO विकासनगर SK निरंजन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विकासनगर बाजार में एक अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटी और चौराहों पर इंडिकेटर टेप लगाने का कार्य किया गया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों की जानकारी भी ARTO विकासनगर द्वारा दी गई। ये तो आप जानते हैं, तो इस वर्ष जो है सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत आज जो है वाहनों में डिटेक्टर टेप, वाहनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए जहाँ पर खतरनाक जगह हैं, टेढ़े मेढ़े बैंड हैं या उस जगह से आदमी पैदल गुजर रहा है तो वहाँ पर इंडिकेट हो जाए कि यहाँ पर आदमी सुरक्षित चले। इंडिकेटर हमने जगह जगह भी लगाए हैं, चौराहों पर लगाए हैं, घुमावदार मोड़ों पर भी लगाए हैं और उसके साथ साथ जो है कि बाइकों पर भी और साइकिल से भी लगाए। डाकपत्ता चौकी पुलिस द्वारा सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 घंटे से गंदे नाले की पिंड में फंसे बैल को फायर सर्विस व स्थानीय लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। बेजुबान की जान बचाने पर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गई। सेलाकुई थाना पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,70,000 रुपये की 11.29 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला का 8/21 NDPS एक्ट में चालान कर न्यायालय में पेश किया गया। चकरौता विधानसभा के कालसी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंजिया के जो युवक चमोली में ग्लेशियर फटने से आई आपदा में लापता हुए थे, उनका 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं है। वहीं उनके परिजनों ने उनको मृत समझते हुए उनके पुतलों को मूर्त रूप मानते हुए हरिपुर स्थित शमशान घाट पर विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। लापता हर्ष के ताऊजी सूरज सिंह चौहान ने बताया कि हमारे गांव के 4 नौजवान युवक जो तपोवन में आई आपदा में लापता हैं, उनको मृत मानते हुए उनके पुतलों का दाह संस्कार हमारे द्वारा किया गया है। वहीं गांव के अन्य लापता युवकों के परिजन संतराम भट्ट ने बताया कि 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन युवकों का कुछ अता पता नहीं लग पाया है, जिसको लेकर हमारे द्वारा आज अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ है, उनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ये, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे के अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है, उनका अंतिम संस्कार हम आज हमने कर दिया है और वह भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे और बाकी तो गांव का माहौल जैसा भी है अपना हो, हमने इसमें कोई किसी चीज़ का वो नहीं, भगवान बस यही करते हैं कि आराधना के भगवान अब जो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दें और बाकी तो हमारे गांव का हमने ये निर्णय जो लिया है, क्योंकि 7-8 दिन तक हम लोगों ने भी पूरा गांव ने हम लोगों ने पूरा वो किया कि चलो जैसी हमें न्यूज आ रही है उसी तरह से हम उसको कर रहे थे कि हो सकता है हमारा आदमी भी कोई मिल जाए टर्नल में, जो जब हो रहा धीरे धीरे तो अब ये कोई किसी चीज़ का इंतजार करने का भी कोई होता है आशा की कोई संभावना ना देखते हुए 8वें दिन हमने ये निर्णय लिया कि बस अब जो भी है हम इनको बॉडी ही शामिल समझते हैं, इनको जो पुतलों का यहाँ पे हमने दहन किया तो हम हमारे लिए पुतले नहीं, हमारे लिए वही बॉडी है, अब हमें बाकी और किसी की बॉडी मिले या कुछ मिले उससे हमें कोई वो नहीं, हमारे ये अंतिम निर्णय है और अंतिम फैसला है। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से, तो 8 दिन तक इंतजार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब
आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतले को अंतिम रूप देते कि ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाकी गांव का माहौल तो बहुत दुखी है और आप इस बारे में तो हम अधिक कहना भी उचित नहीं समझेंगे कि इनके परिजनों का तो क्या, पर मेरे ख्याल में पूरा गाँव इस टाइम दुख में तो सर पूरा हमारा जितना भी क्षेत्र है, जौनसार क्षेत्र है, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो दुखी तो सभी हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए नहीं, हम तो पूरे जो देश विदेश के जितने भी वहाँ थे सभी के लिए दुखी हैं। और सबके लिए भी क्या कहना चाहेंगे सर आप? भैया जी, सबकी आत्मा को शांति दी, जो जो परिवार जिन जिन परिवार के सदस्यों के साथ ये घटना हुई है, ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दे। और किसी की बॉडी अगर मिल जाए या किसी का जिंदा मिल जाए तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।